प्राकृतिक आकर्षण से भरे जंगलों में भारत का चेरापुंजी मेघालय में मौजूद लिविंग रूट ब्रिज किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये प्राकृतिक चमत्कार यहाँ के खासी ट्राइब द्वारा अद्भुत रूप से पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाया गया है। यह रूट ब्रिज बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार की पुल ही जीवित जड़ पुल कहलाते हैं। इस ब्रिज को जिंग किंग ज़ी भी कहा जाता है। इसका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर किया जाता है। सामान्यतः इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। मुख्यतः मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सदियों से फैले 15 से 250 फुट के ये ब्रिज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का आकर्षक भी बना हुआ है। इस पुल को बनाने में रबर फिग फाइकस इलास्टिका वृक्ष की एरियल रूट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण खासी एवं जयंतिया जनजाति के लोग ही किया करते हैं। लिविंग रूट ब्रिज ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट एग्जाम्पल है। मेघालय में पेड़ों की ये जड़ें कई नदियों और झरनों के ऊपर फैली हैं और लोगों के लिए पुल का काम करती हैं। इस सुंदर लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए लगभग 3000 सीढ़ियों को, जो कि घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनसे गुजरते हुए जाना पड़ता है। इस सीढ़ियों को पार करने के लिए बैम्बू स्टिक्स जगह जगह पे मिलेंगे, आप किराए दे करके जा सकते हैं। रास्ते में स्नैक्स और पानी के लिए दुकान मौजूद हैं, इसलिए आप अपने साथ इन वस्तुओं को ले जाने की चिंता ना करें। लिविंग रूट ब्रिजेज आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। इन पुलों को पूरी तरह तैयार होने में करीब 10 से 15 साल लगते हैं। यहाँ मौजूद रूट ब्रिजों में से कई करीब 500 साल तक पुराने हैं। इस 100 साल पुराने ब्रिज का औसत लंबाई 65 फीट एवं चौड़ाई 6-8 फीट है। मजबूत तो ऐसा है कि ऐसे रूट ब्रिज पर एक बार में करीब 50 लोग चल सकते हैं। ऐसे पुल खासतौर से मेघालय में ही पाए जाते हैं। चेरापुंजी के आसपास के गांव में आज भी लोग आने जाने के लिए इन्हीं पुलों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस ब्रिज का दौरा करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ अपने बैकपैक्स में बहुत ज़्यादा सामान न लेकर जाएं, क्योंकि यहां जाने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्लोपी टेरेन में है। These bridges and routes last for 500 years. Once grown completely, UNESCO has recognized the Living Root Bridges in Meghalaya as a World Heritage Site.
आप दूर से इस पुल का फोटो और वीडियो ले सकते हैं, लेकिन इस पुल पर ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की मनाही है। यहाँ से नज़दीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे एशिया का सबसे क्लीन विलेज मॉलिनोंग है। पर्यटक यहाँ भी जाके इस गांव का विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा इस गांव के ऊपर बनाई गई वीडियो ऊपर आई लिंक में आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।